तो गाइज मैं आ गया हूँ यूरी गागरिन मॉन्यूमेंट के पास। लोकल का कहना है कि यहाँ पे ये भाई साहब लैंड हुए थे और कहते हैं कि 81 मिनट में उन्होंने इतने वर्ल्ड का चक्कर लगाया, एकदम पूरा ऑर्बिट कंप्लीट किया अपने कैप्सूल में। जैसे कि लोकल लोगों ने कहा है कि ये यहाँ से निकला था, लेकिन सोवियत के अनुसार ये कजाकिस्तान से निकला था और समय रशिया में शमाड़ा के पास पहुँचा था। दवाई दवाई वाओ ओ भाई क्या दिख रहा है ये, ओ भाई गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो का स्वागत करता हूँ। फिलहाल रात को अब मैं आपको यहाँ का नज़ारा नहीं दिखा पाया था, तो मैं आपको अभी नज़ारा दिखाता हूँ। भाई साहब ने गाड़ी भी स्टार्ट कर ली है। हम लोग का प्लान था कि सुबह के 8 बजे निकलेंगे यहाँ से और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, बस 6 घंटे लेट हुआ है हम लोगों को सो के उठने में। यू नो आराम से मैं सोया रहा 11 बजे तक, उसके बाद उठा फिर नज़ारा का आनंद लिया, सावर वगैरह लिया। उसके बाद भाई ये देखो, ये है सुकून लेक और इस तरफ है भाई माउंटेंस, क्या खतरनाक माउंटेंस है। Hitchhiking. Where are you going, sir? Can I go with you? Where are you going? Where are you going? India. Can I come? Just don't say anything. Get in. Just get in. So, bhai, ये बाहर गाड़ी को लेकर जा रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पर कहीं पर रह रहे थे और क्या इस तरफ भाई माउंटेन्स में स्नो नहीं है, ऑलमोस्ट स्नो पिघल रहा है धीरे करके, और इस तरफ भाई माउंटेन्स में काफ़ी स्नो है अभी भी, और इस तरफ फैल इससे कुल लेक, क्या शानदार नज़ारा है ना भाई। वाओ चलो चलते हैं कार पे वापस से और आज शाम तक बिश्केक पहुंचना है। कल हमें शाम को फ़्लाइट ली है क्योंकि भाई मेरा वीज़ा कल ख़त्म नहीं परसों ख़त्म है और परसों मुझे किसी भारत में बॉर्डर क्रॉस करना है दोपहर के 12 बजे तक। तो बिश्केक जाएंगे, कोविड टेस्ट कराएंगे, कोविड टेस्ट का फिर रिज़ल्ट आएगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यार ये बड़ा चक्कर है, ये कोविड वगैरह के कारण आपको 1-2 दिन कम से कम आपको हाथ में लेके चलना पड़ता है किसी बॉर्डर क्रॉस करने से पहले। तो आज जाके कोविड टेस्ट कराएंगे। यहाँ पे कोविड टेस्ट उतना महंगा भी नहीं है, 1500 रुपये के आसपास लगता है। इंडिया से तो महंगा है, इंडिया से 800 में हो जाता है, 800 में मैंने करवाया, उससे कि फ्री में भी आप करवा सकते हो। तो यहाँ पे 1500 रुपये लगेंगे, ठीक है पहुँच जाएंगे हम लोग ओस। हम लोग फ्लाइट दे रहे हैं ओस की क्योंकि टाइम नहीं है भाई, वरना मैं लैंड जाते। लेकिन मेरा वीज़ा यार इस कोविड की वजह से ना थोड़ा 15 दिनों तक का गैप हो गया उस मैंने क्वारंटीन के चक्कर में, तो यहाँ मुझे सिर्फ 10-11 दिन मिले बस, क्योंकि मैंने 3-4 दिन पहले और एक्स्ट्रा पहले वीज़ा मांग लिया था, क्या पता था यार क्योंकि कोविड हो जाएगा मुझे। चलो कोई नहीं, अभी जा रहे हैं बिश्केक नहीं, अभी कुछ लेक देखेंगे। अभी जो फ़िलहाल जा रहे हैं हम लोग वो है कि यूरी गागरिन का जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था वहाँ जा रहे हैं। स्पासिबा बोलसोय, स्पासिबा, स्पासिबा, थैंक यू सो मच। दस बिदानिया पक्का, बाय बाय। वो लड़ी ने हमें होस्ट किया था रात को कुछ नहीं मिला, फिर वो लड़ी ने किया, फिर थोड़ी मेरा रशन मुझे आती थी। प्रियाखले मिस लेट्स गो, प्रियाखले या लेट्स गो, दबाई प्रियाखले। बिश्केक के लिए रवानगी भरने से पहले कुछ पेट पूजा कर लिया जाए। तो हम लोग आ गए कैफ़े, यार यहाँ पे कैफ़े वगैरह मिलना बड़ा मुश्किल होता है खास करके गांव वगैरह में। अब इंडिया के गांव में भी कहाँ ज़्यादा उतना ज़्यादा होटल वगैरह होते हैं खाने के लिए, लेकिन यहीं पे खाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है कि सबका घर होता है, यहाँ पर टूरिस्ट आते नहीं है। हमें कहाँ था ये खुला हुआ है, बाकी देखता हूँ। Малти? Лагман, да? Лагман, еще Хашан. Лагман, да? Курдак есть. Хорошо, спасибо. Мини один лагман. Лагман, да. Два лагман. Да? Девисим, да? Да, да, давай, давай. Давай, брат. Нет? Это там? Нет? Да, хорошо. Хорошо. Тебе. Нет, вместе. Так. Чего ты? Сенал. Так, мы. Чего мы? 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 Чего м
लोकल का कहना है कि यहाँ पे ये भाई साहब लैंड हुए थे, मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे लैंड हुए थे। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। जैसे ये भाई साहब के मॉन्यूमेंट है, और इस तरफ कुछ फ्रोजन रिवर है इस तरफ चलोगे तो। ओए ओए भाई, ये भाई रिवर पूरा फ्रोजन, उन्होंने पूल बना रखा है बट पूल किसी काम का नहीं, इसके ऊपर आप गाड़ी चला सकते हो आराम से। ये ऐसा हाल है यहाँ पे, यहाँ से काफ़ी फिसलना स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी हवा भी चल रही है यहाँ पे। बट थोड़ी थोड़ी आपको स्टोरी समझाता हूँ। यूरी गागरिन के बारे में तो सबको पता है भाई, वर्ल्ड फेमस है भाई। चलो कार में जाके समझाता हूँ, क्योंकि कार में हवा कम चल रही है, वीडियो एडिट करने में आसानी होगी मुझे। लेकिन ये है यूरी गागरिन मॉन्यूमेंट। तो भाई उस तरफ काफ़ी हवा चल रही थी, तो चल कार में आ जाता हूँ। तो भाई साहब आपको बताइए, यूरी गागरिन, इंडिया में गागरिन बोलते हैं, मैंने हिंदी के और जीके की किताबें पढ़ा था कि इसे गागरिन कहते हैं, लेकिन इसका नाम रशियन में कहते हैं यूरी गागरिन। गागरिन में पिछली बार जब गया था ताशकंद उज्बेकिस्तान, तो वहाँ पे एक उनके नाम पे एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है। इसके नाम पे मॉन्यूमेंट हर जगह है। बेसिकली स्टोरी स्टार्ट हुई थी सोवियत टाइम में, 1961 के दौरान, जब सोवियत ने काफ़ी सारे मतलब रॉकेट्स भेजे स्पेस में। 24 में से 12 रॉकेट एक्सप्लोड हो गया, मतलब फट गया। तो जब यूरी गागरिन जा रहा था, तो उसके जाने से पहले सबसे जो उसका लोकप्रिय बंदा था, मतलब जिसको भेजना था, 3-4 लोग को सेलेक्ट किया था, लेकिन 3-4 लोग में सबसे जो फेवरेट था वो जो यूरी गागरिन था। तो यूरी गागरिन को भेजा गया, काफ़ी काम था जिस दिन जा रहा था। सारे लोग काफ़ी परेशान थे जो कि स्पेस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि हाफ चांस थे कि ये मरने वाला है। लेकिन ये गया, ऊपर गया, काफ़ी काम था, लोगों ने पिल्स वगैरह ली, दवाई वगैरह खाई कि थोड़ा काम रहे, लेकिन ये गया, इसे भेजा गया। और एक दिन पहले एकदम काफ़ी काम था, ये काफ़ी जॉली पर्सन था, लेकिन जिस दिन वो जा रहा था वो उस दिन काफ़ी एकदम काम था, शांत था। वो गया, सुबह के 9 बजे निकला, और कहते हैं कि 81 मिनट में उन्होंने वर्ल्ड का चक्कर लगाया, एकदम पूरा ऑर्बिट कम्प्लीट किया अपने कैप्सूल में। अब स्टोरी इसकी काफ़ी डिपेंड है, क्योंकि सोवियत टाइम था और कुछ क्लियर नहीं है। सोवियत का काफ़ी सारे प्रोपोगंडा वगैरह भी लोगों का है, कुछ कहते हैं ये है, कुछ कहते हैं, जैसे कि लोकल लोगों ने कहा है कि ये यहाँ से निकला था, लेकिन सोवियत के अनुसार ये कजाकिस्तान से निकला था और समय रशिया में शमाड़ा के पास पहुँचा था। तो ये था यूरी गागरिन के बारे में छोटी सी स्टोरी। लेकिन या वो फर्स्ट पर्सन था, और उसके बाद वो काफ़ी फेमस हो गया। ऑफकोर्स अगर आप फर्स्ट पर्सन हैं, सारे लोगों ने उसे बधाइयाँ भेजी, और उसके बाद उससे कभी दोबारा भेजा गया ही नहीं स्पेस में, क्योंकि सोवियत को लगा था कि अगर ये दोबारा गया, अगर ये मर गया, तो उनका मतलब काफ़ी लॉस हो जाएगा, यू नो, नेशनल हीरो कहलाता था ये यूरी गागरिन। लेकिन धीरे धीरे करके ये 3 साल बाद एक छोटे से फाइटर जेट प्लेन में ये मारा गया, क्योंकि सोवियत ने इसे वापस से कभी स्पेस में नहीं भेजा, क्योंकि उसे डर था कि ये मर जाएगा। लेकिन फिर भेजा गया एक छोटे से प्लेन, फाइटर जेट प्लेन चला रहा था, और समय ईस्टर्न रशिया में एक्सीडेंट हो गया, और वो 3 साल के बाद मर गया। गुड बाय यूरी गागरिन। और काफ़ी हम्बल पर्सन था यार, एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था ये, काफ़ी मतलब इंस्पायरेशन स्टोरी यूरी गागरिन की। छोटे से स्पेस से बिलोंग करता था, जहाँ पे उस समय नाजी का राज हुआ करता था। छोटे से गांव से बिलोंग करके उस समय नाजी का राज हुआ करता था, नाजी वगैरह उसमें वर्ल्ड वार टू चल रहा था, और उस दौरान सोवियत और नाजी में वार भी चल रहा था, उसमें काफ़ी लोग मरे थे, इसके गांव वगैरह में काफ़ी लोग मर चुके थे। तो ये इसके गांव विज़िट किया है, मैं कभी अगर बेलारूस गया तो उसके गांव जरूर जाऊंगा, ये कैसा था नहीं था। लेकिन काफ़ी इंस्पायरेशन स्टोरी है, फर्स्ट पर्सन था स्पेस जाने का, और बस। और ये लोकप्रिय हीरो जहाँ भी गया, वो जहाँ भी गया, लोगों ने उसके लिए मॉन्यूमेंट बना दी। लेकिन लोगों का कहना है कि ये यूरी गागरिन का मतलब फेवरेट स्पॉट था। ऑफकोर्स यार फेवरेट होगा ही, देखो कितने शानदार माउंटेन्स वगैरह हैं यहाँ पे, फेवरेट होना पड़ता ही है, इतना शानदार रोड्स हैं। इससे पहले एक काम और करना था, एक यहाँ पे है फेरी टेल कैनियन, बट भाई रास्ता बिल्कुल ख़तरनाक सा है, ये ऑफ रोडिंग करनी पड़ रही है मंगोलिया की तरह। किर्गिस्तान में उतना ऑफ रोडिंग नहीं है, ठीक है, उतना भी ख़राब नहीं है, लेकिन ये देखो भाई, हाँ चला रहे हैं गाड़ी। हम लोग वहाँ पे पहुँचे, लेकिन समझ नहीं आई कि उसके बाद ऊबड़ खबड़ रास्ता था, पहाड़ वगैरह थे, हमें भी वापस निकल गए। देखते हैं, किसी लोगों से पूछना पड़ेगा कि ये फेरी टेल कैनियन पड़ता कहाँ है,
काफ़ी टूरिस्टिक प्लेस है, वन ऑफ द टूरिस्टिक प्लेस मान लो, क्योंकि देखो बेसिक किर्गिस्तान तो पहले टूरिस्टिक कंट्री है नहीं, अब इस नॉन टूरिस्टिक कंट्री में ये टूरिस्टिक प्लेस है, तो रोड वगैरह बना हुआ तो है। सो रोड वगैरह बना तो रहना चाहिए, लेकिन पता नहीं भाई रोड है कहाँ है नहीं है, अगर रोड मिले तो बताता हूँ वरना वापस जाता हूँ। ओहो भाई भाई भाई, लगता है हम लोगों ने गलत रोड ले लिया। देखो ये रोड इधर जाता है, ये उधर जाता है, तो हम लोग को शायद इधर रोड लेना चाहिए था, गलती की हम लोगों ने, हमें यू टर्न मारना पड़ेगा अब। ये सही, ये बेटर है, ये रोड लगता है सही जाएगा, हमें कैनन तक पहुँचाएगा। हम लोगों ने ये ऊपर वाला रोड ले लिया था, फालतू सा रोड था वो, ये रोड शायद सही लग रहा है मुझे अभी तक। बाकी अगर पहुँच जाऊँ तो बताता हूँ, नहीं पहुँच पाऊँ तो भी बताता हूँ। तो भाई बेसिकली एंट्री के लिए यहाँ पे 50 सोम लगते हैं, 50 सोम का मतलब कितना हुआ, बहुत कम हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं तो हम लोगों ने इसके अंदर फेंक दिया 101, मतलब जो 50 सीट की 50 मेरी 50 सोम दे दिया, क्योंकि यू नो टूरिस्टिक प्लेस है, जब आप टूरिस्टिक प्लेस जाओ जब उनका ख्याल रखते हैं नेचर का, तो जो पैसे एंट्री फ़ी होती है वो देनी बनती है, तो एंट्री फ़ी दे दिया इन लोगों को, कोई था नहीं लेने के लिए तो बस ऐसे ही डाल दिया। तो भाई लगता है हम लोगों ने सच में सही रूट लिया है इस बार सही लगता है पहुंचने वाले हैं। रोड ऐसी जा रही है, खिड़की खोल के दिखाता हूँ आपको, खिड़की तो काफ़ी गंदा हो रखा है, क्या माउंटेंस दिख रहे हैं इस तरफ, फेरी टेल माउंटेंस, सॉरी फेरी टेल कैनियन नाम है, माउंटेन नहीं, फेरी टेल कैनियन नाम से रोड ऐसा है कुछ। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा। तो गाइज हम लोग आज गए हैं ग्रैंड कैनियन, ये है भाई ग्रैंड कैनियन, यहाँ का से ग्रैंड कैनियन नहीं कहते, कहते हैं फेरी टेल कैनियन। मैंने US में कुछ देखे हैं, मतलब पिक्चर्स में, मैं US तो कभी गया नहीं हूँ, लेकिन पिक्चर्स में देखे हैं कि वहाँ पे कुछ फेरी टेल कैनियंस वगैरह हैं, फेरी टेल कैनियंस किर्गिस्तान में हैं, लेकिन ग्रैंड कैनियन वो US में है। तो ये है, काफ़ी रास्ता सगड़ा था, हम लोग आए यहाँ पर, अपने रास्ता देखा ही, और इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, ये पूरा ऐसा दिख रहा है। ये किर्गिस्तान का वन ऑफ द टूरिस्टिक प्लेस है, मतलब काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन इस टूरिस्टिक प्लेस में भी हमारे अलावा कोई नहीं है, जहाँ पर हम लोग पैसे देने वाले थे वहाँ पैसे लेने के लिए कोई नहीं था। तो देख लो यार, किर्गिस्तान जैसी कंट्री में, खासकर कोविड के दौरान कोई नहीं ट्रेवल करने आता, तो और किर्गिस्तान की गवर्नमेंट भी टूरिज़म पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तो आप आ सकते हो, और हम लोग चलते हैं थोड़ा ऊपर उस तरफ कैनियन को देखने के लिए। रास्ता काफ़ी सकड़ा है भाई, लेकिन आप ऊपर तक जा सकते हो, ऊपर नहीं ये माउंटेन वाला ऊपर, अगर यहाँ से आपने कुछ कूद वगैरह लगाई तो आप इसके ऊपर भी जा सकते हो। भाई एक हाथ से कैमरा पकड़ के एक हाथ से खींचना पड़ रहा है, रास्ता काफ़ी ज़्यादा सकड़ा था। या ऑफ कोर्स, नो आई एम नॉट सो, इट्स नॉट सो फनी, वाओ बट लुक्स सो ब्यूटीफुल। उस तरफ देखो भाई, क्या शानदार दिख रहा, ये हाल है इस तरफ, इसको अब चलते रहो ऊपर। वाओ रियली, वो बोल रहे हैं काफ़ी पसंद करोगे उस व्यू को, तो चलो देखते रहो कैसा व्यू है। वाह वाह भाई, कहरी ओके, दबाई दबाई, वाह ओ भाई क्या दिख रहा है, ओ भाई। तो भाई ये पूरा देख के यार दिल खुश हो गया यार, क्या सही मौसम है, ऐसा कहूँ वो दिल से वो खुशी जाहिर कितनी आ रही है, क्या बताऊँ, जाहिर नहीं हो पा रही यार, देख के ये देख रहे हो। अब एक कार वापस से आई है, और ये पूरा एरिया देख रहे हो, कोई नहीं है पूरे एरिया में, कोई नहीं है हमारे अलावा, कोई है ही नहीं, देख क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है, वहाँ कुछ कासल वगैरह है, लेकिन भाई कोई नहीं है। अगर ये बात अगर चाइना वगैरह में होती, चाइना वगैरह में क्या है ना कि अगर रहेगा
तो वो कवर कर देते हैं, टूरिस्ट स्पॉट बना देते हैं जहाँ से आप पिक्चर ले सको, और सारे चाइनीज़ लोग ऐसे सेल्फी लेते रहते हैं क्योंकि चाइनीज़ की आदत है। और यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं, मतलब कोई है नहीं, आपको जहाँ जाना देखो पूरा ट्रेल बना हुआ है, लोग देखो चलते चलते वहाँ तक गए हैं, वहाँ तक गए हैं लोग, उधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। तो यहाँ पे सही, ऐसा नहीं कि आप काफ़ी मेरे तो चाइना भी सही क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है, बट यहाँ भी ठीक है यार कि जहाँ जाना है करो, सिर्फ आपको पैसे पे करने हैं 500, दैट्स इट, एंड आपको जहाँ जाना है इस कैनियन में जा सकते हो। और लेकिन जो व्यू है भाई, और सनसेट हो रहा है मेरे पीछे, मुझे थोड़ा हाइट से डर लगता है, यू नो, बट ना मैं नीचे गिरा तो गया, ऊपर चला जाऊँगा। इफ़ आई फॉल देयर तो भाई चलते हैं फटाफट अब इसके की तरह रवानगी भरते हैं। कुछ लोग उधर जा रहे हैं, उस तरफ भी कुछ कुछ कैनियन है, दो लोग उधर जा रहे हैं। अब बिस्किट की तरफ रवानगी भरते हैं, कल इस समय हमारी फ्लाइट होगी उसके लिए, और या फिलहाल यही है अभी। तो भाई मेरे पास क्या है ना कि ट्रैकिंग शू है तो मेरे लिए काफ़ी ईजी जाता है, बट इस भाई साहब के लिए ईजी बिल्कुल नहीं है। I don't walk through, it doesn't take me 10 minutes to take off my shoes at the airport. Okay, slowly. लेकिन सच को मेरे लिए ट्रैकिंग शूज से काफ़ी फ़ायदा होता है, काफ़ी आसान हो जाता है सब कुछ, खास करके अगर कहीं माउंटेन वगैरह चढ़ रहे हो तो उसमें ना सही रहता है। मैंने केचुआ का ट्रैकिंग शू लिया था डेकैथलॉन से, काफ़ी सही है भाई पिछले। ओ भाई गिर मत जियो। It's just because you're filming me. It's because you're filming me. Yeah, I only slip when the camera comes on. And you're giving me content that we didn't almost fall from the mountain and died. almost died on that. Almost died in the mountains. कुछ ऊपर लोग जा रहे हैं, वो तो हम स्टिक वगैरह लेके आए थे वो लोग, तो ये हमारी कार है, हमें इधर जाना है, इधर जाना है, इधर से चले जाते हैं, इधर आसान होगा।